Good morning, students. Now, today I will tell in chemistry class 12 hydrocarbons part 4. In this part, before parts, I have told saturated hydrocarbons, classification of saturated hydrocarbons. How will you produce the alkanes? How will you produce the saturated hydrocarbons? Chemical properties of saturated hydrocarbons. In this part, I will tell the unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons में सबसे पहली बात तो ये आएगी आपकी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन. ठीक है, एल्कीन में ये होता है कि एल्कीन ये शो करता है कि जैसे इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n और इसका होता है CnH2n-2. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी एल्कीन की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक डबल बॉन्ड मस्ट होता है कार्बन के बीच, जो है एक डबल बॉन्ड मस्ट होता है. ठीक है, तो इसमें जो है हम पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन करेंगे. नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में सबसे पहले हम इनके नाम कैसे रखेंगे. देखिए, इनके नाम ये होते हैं कि जब हम नॉमेनक्लेचर, जब इनके कंपाउंड को अब जैसे एल्कीन में ले लेते हैं पहले, तो एल्कीन में हम लेंगे जैसे C4H8. अब C4H8 लिया, अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए इसका बनेगा चार कार्बन आपके पास होंगे. ठीक है, एक कार्बन पे आप कहीं पे भी आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, हमने बताया ना एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन होगा और उसके बाद ये जो है फिर ये देखिए हमने बाकी जो सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं उन पे लगा दिया. बस एक चीज ध्यान रखना है, हर कार्बन के पास जो है चार स्टेपर बॉन्ड होने चाहिए. ठीक है, मतलब ये हो गया CH3, CH2, CH और ये आ गया CH. तब देखिए आप इसको जब काउंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 1, 2, 3, 4. तो आपके पास 1 पे एल्कीन लगा हुआ है. ठीक है, 1 पे ईन लगा हुआ है, तो इसका नाम जब लिखेंगे तो आप जो है 1-ईन. ठीक है, और ये चार आपके पास कार्बन है के कारण 1-ईन ब्यूट हो जाए. ठीक है, आप इसको बता दें कि जैसे 1 पे अगर ईन लगा हुआ है तो 1 पे लिखते हैं, 2 पे लगा हुआ है तो 2 पे लिखते हैं, 3 पे लिखते हैं. तो इन नंबर्स को छोड़ के आप ग्रीक वर्ड्स अल्फा बीटा गामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर जैसे 1 पे आपका ईन लगा हुआ है तो यहाँ पे हम अल्फा ईन भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार इसके नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं. फिर इसके बाद आता है IUPAC नेम, इसका कैसे लिखा जाए. ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए पहले इसके हम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं. जैसा कि हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बताया था कि ट्रिवियल शेप भी होता है इसका. ट्रिवियल शेप में बताया था कि स्ट्रेट चेन चली जाती है तो ये इसका ट्रिवियल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो देख लीजिए तो ट्रेवियल सेफ का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट चैन चली जाए, कोई ब्रांच यहाँ पे ना प्रोड्यूस हो, तो दैट्स जो शेप कही आती है ये ट्रेवियल शेप कही आती है. ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी था. इन दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसा कि हमने बताया कि डबल बॉन्ड के जिसका इंक्रीज होता चला जाए, जिस नंबर पे डबल बॉन्ड लग के चले आएंगे वो उसका आप 1, 2, 3 तुलना करते हुए अल्फा बीटा गामा में भी रख सकते हैं. ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे एल्कीन्स का, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स. स्ट्रक्चर ऑफ
एल्कीन्स। देखिए इस कक्षा में एल्कीन्स में ये होता है, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इसमें sp2 हमने बताया ना कि दो टाइप, जैसे CH2 लिख दिया, तो अगर हमने CH2 लिखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, ये देखिए CH2। अब इसमें दोनों कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए आप, अब इसमें जो है पाई और सिग्मा बॉन्ड भी यूज होगा। देखिए पाई बॉन्ड आपके जितने डबल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं और सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ ये पैदा होती है कि इनका कैसे क्या किया जाए, आपको बता दें जब इसका स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर का डेवलप करते हैं तो जिस तरह ज्योमेट्रिकल शेप में स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा ये देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये आपका 120 डिग्री एंगल बनेगी, 120 डिग्री एंगल, ठीक है, और ये आपका sp2 कहलाएगा, sp2 कहलाएगा, ठीक है, ये आपका जो कहलाएगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें ये बॉन्ड जो बनेगा इसको ये पाई बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड कहलाएगा ये आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड होगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड। हमने बताया ना सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं और अगर कोई डबल पाई बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड होता है। आपको बता दें कि जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ये जो है वीक होता है इन द कंपेरिजन सिग्मा बॉन्ड से, क्यों, इनका ये होता है कि ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये साइड में ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, कैसे, देखिए साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इस तरह इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ एग्जांपल देख लीजिए, द एग्जाम्पल ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसा कि हमने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर और एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड कह सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड, दो मतलब सिग्मा बॉन्ड होते हैं हर कार्बन पे। अब बात यहाँ होती है तो अगर जैसे हमें ब्यूटीन का बनाना है, ठीक है, ब्यूटीन का हम बता चुके हैं, जैसे हमें ब्यूटीन का बनाना है तो देख लीजिए कैसे करेंगे, ब्यूटीन का मतलब C4H8, तो C4H8 का बनाना है तो देख लीजिए C C C, अब हमने यहाँ पे बीच में उठा के ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लग गया और ये लग गया, ठीक है, तो इसका हो गया CH3 CH CH और ये CH3। अब देखिए अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अब देखिए 2 पे आपका इन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 पे आपका इन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, इसको कहेंगे ब्यूट टू इन। इसको एक चीज और कह सकते हैं, हमने बताया जो अल्फा बीटा गामा से भी डोंट कर सकते हैं, इसको गामा ब्यूटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा अगर 1 पे होता तो अल्फा होता, 2 2 पे आ गया तो बीटा हो गया, यहां पे लग जाता तो गामा हो जाता, तो इसको बीटा ब्यूटीन भी कह सकते हैं, बीटा ब्यूटीन हो गया, ठीक है, ये आपके इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लीजिए एल्कीन्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स देख लीजिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. देखिए एल्कीन्स की प्रॉपर्टी में ये है कि सबसे पहले आप जो है पहली प्रॉपर्टी है फ्रॉम एल्काइन. एल्काइन से आप एल्कीन कैसे पाएंगे? फ्रॉम एल्काइन. पहली प्रॉपर्टी है फ्रॉम एल्काइन. ठीक है, मतलब एल्काइन से आप कैसे मिलेगा. तो इसके लिए एक काम करेंगे, जानते हैं एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो देखिए ये ठीक है, ये हमने एल्काइन का वाला, इसमें इसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, प्लस इसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं. हाइड्रोजनेशन कराएंगे जब, तो इसमें जो है पहले पीडी या कार्बन, पीडी या कार्बन को लेके इसका अदर कैटालिस्ट हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे. ठीक है, ये रिडक्शन होगा. ठीक है, अब जब कराएंगे तो इसमें बनेगा क्या, देख लीजिए. ठीक, ऐसे में ये होगा. अब इसको ये आर मान, यहाँ पे आर डैश ले लीजिए, तो यहाँ पे तो आर लग गया, यहाँ पे आर डैश लग गया, दो जगह पे आपने एच जोड़ दिया. ठीक है, तो ये आपका हो गया. इसी प्रकार का अगर हम जो है इसी चीज में हम अगर हम यहाँ आर की जगह पे हम सी एच ले लेते हैं, देख लीजिए, इफ सी सी एच सी एच ले लिया, दस बताया हाइड्रोहाइड्रोजनेशन करा दिया हमने, कैटालिस्ट पीडी. ठीक है, तो क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, या इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई. मतलब फ्रॉम एल्काइन से आप किस तरह एल्कीन फाइंड, ये जो है आपका एल्काइन है, मतलब एथाइन इसको कहेंगे, एथाइन है, और ये एथाइन से एथीन मिल गया आपका. ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से आप एल्कीन कैसे पाएंगे. तो उसके लिए एक काम करेंगे, एल्कोहल से जैसे कोई एल्कोहल ले लेते हैं, तो एल्कोहल में पर एथिल एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, बाय एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल सी एस थ्री सी एस टू, उस देखिए सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, ये हमने ले लिया. ठीक है, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच को हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एल टू ओ थ्री, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना को हमने 633 केल्विन टेम्परेचर पे, 633 केल्विन टेम्परेचर पे हमने गर्म किया, तो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, सी टू हमने एल्काइन बनाना, एल्कीन बनाना है ना, तो सी एस टू H2 प्लस वाटर निकल जाएगा H2O. ठीक है, ये आपका एल्कोहल से ये हो गया. ठीक है, अब देखिए अगला, अगली प्रॉपर्टी आती है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, देख लीजिए, एल्किल हैलाइड में यह होता है, कोई भी आप जो है हाइड्रोजन ले लीजिए. ठीक है, जैसे एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, इस तरह कुछ भी ले लीजिए. ठीक है, देख लीजिए, जैसे आप एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, इफ बाय एथिल ब्रोमाइड, एथिल
ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड लेंगे, देख लीजिए CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड ले लिया और इसको हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा दिया, गर्म किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब गर्म करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ठीक है, CH3। जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले हमें एल्कीन निकालना है, तो सबसे पहले हम एल्कीन निकाल देंगे CH2 एल्कीन हमने बना लिया, फिर इसके बाद Na के साथ Br जोड़ देंगे, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे H और वो वाला H मिलके मतलब वाटर हमारा बाहर निकल गया, ठीक है, ये देखिए एक एल्किल हैलाइड से हमने बना लिया। हम और ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया, ब्यूटिल क्लोराइड ले लें, तो ब्यूटिल क्लोराइड में क्या होगा, C4H9Cl को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, यहाँ पे हीट की संख्या, यहाँ पे भी हीट लगा दें, हीट गर्म करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले C2H4 बनता था, जहां बनेगा C4H8, तो C2H4, ठीक है, प्लस KCl और प्लस वाटर यहां से निकल जाएगा, ये आपका ब्यूटिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड, और ये आपका ब्यूटीन है, ब्यूटीन, यहाँ पे आपका जो है ये एथीन हो गया था, ये आपका एथिल ब्रोमाइड था, एथिल ब्रोमाइड, तो ये आपका एथिल हैलाइड से आप जो है एल्कीन बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्रॉम अब इसमें एक काम करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको कहते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, देख लीजिए बाय कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, देख लीजिए बाय कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसलिए कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड करने के लिए आप एक काम करिएगा, से जो है देख लीजिए CH2 C2H2 और जैसा कि हमने बताया कि इसका इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो ये आपका दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ये जो है दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, तो अब इसमें CH3 C00 ये आयन देख लीजिए, ठीक है, सॉरी CH2 और ये आपका CH2C00 ये और प्लस दो के साथ ये है आपका इधर, ठीक है, और उसके बाद जब इसका करेंगे देख लिए, फिर इसके बाद इसका करेंगे किसका CH2C00, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन इसका मतलब हीट करेंगे, तो हीट करने पे आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और प्लस 2CO2 और प्लस दो इलेक्ट्रॉन जो इसमें जुड़े हुए थे, ये देखिए ये आपका दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दैट प्रोसेस नोन एज कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है, इन दिस सीरीज अब हम स्टार्ट करते हैं
प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में ये होता है ये किस टाइप के रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए एडिशनल रिएक्शन, सबसे पहला है एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन। इसमें जो है पहला होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी भी एल्कीन ग्रुप में अगर हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, देख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा कि बताया हाइड्रोजन का जोड़ना, तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लैटिनम कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, देख लीजिए तो CH2 एल्कीन ले लिया और हमने हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और फिर हमने कहा निकिल या प्लैटिनम, चाहे निकिल ले लें चाहे प्लैटिनम ले लें, इनका इस्तेमाल कैटालिस्ट में करेंगे और प्लैटिनम, ठीक है, जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इथेन में C2S6, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में भी लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी मतलब एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे या हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लैटिनम कैटालिस्ट में, तो आपका इथेन बनके तैयार हो जाएगा, एथीन है तो इथेन बनकर तैयार हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन बनकर तैयार हो जाएगा, प्रोपीन है तो प्रोपेन बनकर तैयार हो जाएगा, इस तरह एडिशन रिएक्शन होता चला जाएगा। फिर इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एल्कीन के कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, तब क्या होगा। तो इसके लिए हम अभी तक एथीन लेते थे, थोड़ा ले लेते हैं प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब C3S6 लेते हैं, CH2 C3S6 स्ट्रक्चर से बना के सर क्लियर कर लें, यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, यहां पे चार बॉन्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका CH3 CH CH2 CH3 CH और CH, ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपीन, प्रोपीन तो हमने हाइड्रोजन से कराना है तो हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है, क्लोरीन से करा देते हैं Cl2, ठीक है, क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरीन से कराने के बाद इसमें एक कैटालिस्ट लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे CCl4, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और जब कराएंगे तो बनेगा क्या, ये देख लीजिए ये बनेगा क्या प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा प्रोपिल क्लोराइड, देख लीजिए अब इसमें ये काम करेंगे CS हम ये दे दिए, ठीक है, और उसके बाद कार्बन यहां जोड़ दिया हमने और फिर ये, ठीक है, अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हमने भी यहां पे चार लग लिया, देखिए सबके पास चार चार हो गए हैं, तो हमें यहां पे तीन तो एच यहां पे जोड़ दिया हमने, ठीक है, अब क्या करेंगे एक एच हमने यहां जोड़ दिया और हमने दो ये और ये, अब देखिए दो जगह हमें खाली मिल रही है उन दोनों जगह पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे ये, ठीक है, मतलब आपका मिल गया CH3 CHCl
और ये आपका हो गया CH2Cl। ठीक है, अब इसका नाम रखेंगे तो देखिए 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 1 2 डाई, दोनों पे क्लोरीन लगा हुआ है, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, डाई क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडिशनल रिएक्शन हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी में आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स देख लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड देख लीजिए, सर इसकी प्रॉपर्टीज चल रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। हाइड्रोजन एसिड्स का मतलब यह है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आप एक काम करिए एथीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दीजिए, क्योंकि इसमें जो है आप HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है, तो CH2 एथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हमने हाइड्रोजन एसिड की बात कही तो HCl से कराएंगे। ठीक है, HCl से कराया, ठीक, तो उसके बाद क्या बनेगा देख लीजिए, ये आपका CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे एथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड बनकर तैयार होगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड हो गया। अब इसमें एक काम करते हैं, अब थोड़ा अलग थोड़ा करते हैं, तो ब्यूटीन को, ठीक है, ब्यूटीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, देख लीजिए CH3 CH3 CH, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड लगा दें CH, और ये आपका CH3, ठीक है, ये आपका ब्यूटीन 2 हो गया। ठीक है, दूसरे पे लगा हुआ है, ठीक है, इसको बीटा ब्यूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्यूट 2-ईन, वो क्या कहेंगे, ब्यूट 2-ईन, ब्यूट 2-ईन भी कह सकते हैं, 1-2-2 पे लगा हुआ है, इसको बीटा ब्यूटीन भी कह सकते हैं, बीटा ब्यूटीन, अल्फा बीटा, बीटा पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया, HBr से, HBr से रिएक्ट कराया, तो देख लीजिए क्या बनेगा, आप देखिए इसका हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, फिर इसके बाद CH, अब यहां पे आपका हो गया CH3 हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे आपका Br हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3, 2, 5, 9, ये देखिए, तो इसका नाम हो गया आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या हो गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड हो गया। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मतलब नॉमेनक्लेचर हो गया, ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, और आफ्टर इट ऑनवर्ड्स आई विल टेल इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।